नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं P24 न्यूज। पूरी खबर बताने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। 99 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? एक हफ्ते से यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में जो लड़का दिख रहा है, उसका दावा था कि ऑनलाइन गेम में वह 96 लाख रुपए हार गया, इसलिए उससे अब कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि माँ भी बात करना पसंद नहीं करती। लेकिन इस लड़के का नाम हिमांशु मिश्रा बताया जाता है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने बड़ा दावा किया है। प्रशांत उमराव नाम के वकील ने एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा है कि 96 लाख ऑनलाइन गेम में हारने की कहानी बनाने वाला हिमांशु मिश्रा एक नंबर का टप्पेबाज है। उन्होंने एक वाक्य का जिक्र भी किया है कि प्रशांत उमराव के मुताबिक 1 जुलाई को उन्हें हिमांशु मिश्रा कानपुर काका दीप क्षेत्र में शाम 4 बजे मिला था और स्कूल बैग में कोचिंग की कॉपी लिए घूम रहा था, तब वो पेन बेच रहा था। वकील के मुताबिक लड़के ने कहा कि वह यहाँ SSC की कोचिंग करता है और पार्ट टाइम में सामान बेचता है। उसने कहा था कि सुबह से खाना नहीं खाया है, इसलिए उससे 10 रुपए का पेन खरीद ले। अपने साथियों का जिक्र करते हुए वकील ने कहा कि उनके साथियों ने लड़के को 100 रुपए दिए और अपना नंबर भी दिया। बाद में पता चला कि लड़के का काकादेव की महिंद्रा कोचिंग में SSC का एडमिशन भी जानने वाले लोगों ने कराया और कानपुर में भी इसने कई लोगों को ठगा है। तो क्या इस लड़के ने वाकई में झूठ बोला है? हालांकि मीडिया ने इसकी जांच नहीं की है और इसकी इमोशनल कहानी को वायरल कर दिया। अब सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन सच जानने की कोशिश कम ही लोग कर रहे हैं। अगर वाकई इसने फर्जीवाड़ा किया है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।